हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, इन्फिनिक्स नोट 30 5G मोबाइल फ़ोन है। इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हमारा जो फ़ोन है ये पूरी तरीके से हो चुका है हैंग। मैं इसमें कोई भी ऊपर से नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे से स्लाइड करने की, बैक करने की कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। बटन वगैरह प्रेस कर रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, आपके फ़ोन में भी अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैं पावर बटन वगैरह प्रेस करके देख रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है थोड़ी देर वेट। देख सकते हैं मैंने बैक वाला बटन दबाया था, पर वो बैक वाले बटन पे टैब होकर रह गया है, आगे कुछ नहीं बढ़ी है प्रोसेस। तो काफ़ी देर से देख सकते हैं बैक कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम वगैरह आई हो तो आपने क्या सॉल्यूशन किया है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी करीब हमें ये 20 मिनट हो चुके हैं हमारे फ़ोन को इसी तरीके से रखे 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 रखे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी देर से मैं बटन्स वगैरह प्रेस कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है हमारे फ़ोन को कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं बार बार बटन प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से टैप कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो फ़ोन है ये हैंग होकर अटक गया है। और इस फ़ोन के अंदर जो आपके इन्फिनिक्स के फ़ोन है उसके अंदर बैटरी रिमूवेबल है नहीं कि आप बैटरी अपना पीछे का ढक्कन खोल के बैटरी वगैरह रिमूव कर सको और वापस ठीक कर सको, तो ऐसा कुछ इसमें सुविधा है नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको करना है आपके फ़ोन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैं थोड़ी देर के लिए मेरे फ़ोन को छोड़ देता हूँ। आपको थोड़ी देर तक वेट करना है, कुछ भी बटन वगैरह प्रेस नहीं करने, अपने आप आपका जो फ़ोन है वो ऑफ हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगी उसकी लाइट। फ़ोन बंद होने के बाद देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है ये हो चुका है स्विच ऑफ। तो देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है स्विच ऑफ होकर ऑन हो रहा है अपने आप ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने इतनी देर से ट्राई करा पर वो ऑन ही नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं एक्टिव हो गया है मेरा फ़ोन। और इसके अंदर पासवर्ड वगैरह मैं डाल लेता हूँ, पासवर्ड डाल के देखते हैं कि क्या ये सही प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं अभी तो मेरा फ़ोन एक्टिव हो चुका है, और अभी देख सकते हैं इसको स्लाइड वगैरह करके देखते हैं कैसा क्या स्लाइडिंग वगैरह हो रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है ये ऑन हो चुका है। आपको क्या लगता है, हमारा जो फ़ोन कंपनीज़ हैं अगर ये फ़ोन को ओपन करके बैटरी रिमूव करने का ऑप्शन नहीं दे रही है तो इनको अलग से एक हमारे फ़ोन को पावर ऑफ ऑन करने का ऑप्शन, अलग से एक बटन वगैरह देना चाहिए, जिससे कभी हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है तो हमें इसका इस्तेमाल करके हमारे फ़ोन को रीसेट या ऑन करके वापस फ़ोन को यूज़ कर सकें। बाकी देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है ये ऑन हो चुका है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बाकी देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी जंक फाइल दिखाई दे रही होंगी, तो इस जंक फाइल को मैं भी क्लीन कर लेता हूं, आप भी अपने फोन में क्लीन कर लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।